अक्षरा सिंह चिढ़ती हैं पवन सिंह की माँ से। जी हाँ, अक्षरा सिंह फूटी आँख नहीं पसंद करती हैं पवन सिंह की मम्मी को। उसके पीछे रीज़न यही बताया जाता है कि पवन सिंह की जो शादी हुई ज्योति सिंह से, पवन सिंह की मम्मी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उनकी बहू फिल्मी बैकग्राउंड से हो। इसलिए पवन सिंह ने, जो कि माँ को भगवान रूप मानते हैं, अपनी माँ की बात मानी और ज्योति सिंह से शादी कर ली। यूँ कह सकते हैं आप कि पवन और अक्षरा के प्यार में अगर कोई विलन बन के आया तो पवन की मम्मी। वैसे भी आप पुराने वीडियोस उठाकर जब देखेंगे कि पवन सिंह के घर में पार्टी हो रही है तो पवन सिंह की माँ एक तरफ रहा करती थी और अक्षरा सिंह पवन सिंह के साथ एंजॉय किया करती थी। लेकिन खैर, ये बीते जमाने की बात हुई, आप ये सोचेंगे कि ये बात हमने क्यों उठाई। तो हम बता दें कि पिछले दिनों अक्षरा सिंह ने अपना एक स्टेटस रखा था, यानी कि इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो अक्षरा सिंह स्टेटस हमेशा रखती हैं, जिसे भाई लोग खूब पसंद भी करते हैं और सभी जानते हैं कि ये स्टेटस किसी और के लिए नहीं, सिर्फ पवन सिंह के लिए रखा जाता है। तो आपको बता दें कि इस स्टेटस में पवन सिंह की माँ से रिलेटेड अक्षरा सिंह ने कुछ कहा था ऐसा, जो कि सीधे सीधे ये बता रहा था कि अक्षरा सिंह उनकी मम्मी को ये संदेश देना चाहती हैं। क्योंकि वैसे तो आपको याद ही होगा कि पवन के शादी के वक्त अक्षरा सिंह उनके साथ तब तक मौजूद थी जब तक उन्हें लगा कि उनका वहाँ रहना उचित है। अक्षरा सिंह ने खुद भी अपने स्टेटस में इस बात को मेंशन किया था, तब कुछ महीनों बाद जब पवन सिंह की शादी हो गई, कि सर के सहरे से लेके पैर की मोजड़ी तक मैंने खरीदा था, मैंने ही पवन सिंह को दूल्हे की तरह सजाया था। यानी कि आप कह सकते हैं कि उस दिन अक्षरा सिंह पर क्या बीती होगी। वैसे पवन सिंह की मम्मी तो सिर्फ अपने बेटे का भला चाहती थी, शायद उन्हें लगता है कि उनके बेटे के लिए नॉन फिल्मी बैकग्राउंड की लड़की ही सही रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं आज अक्षरा सिंह से शादी न करके पवन सिंह एक तरफ मन ही मन पछता रहे होंगे। अक्षरा सिंह का क्या हाल है ये किसी से छुपा नहीं है, और ज्योति सिंह पर क्या बीत रही होगी ये सब देख रहे हैं। अगर पवन और अक्षरा की शादी हो गई होती तो शायद ये कंट्रोवर्सी कभी क्रिएट ही नहीं होती। अक्षरा जिस तरह से पवन सिंह को झेल रही थी, आप उसे झेलना ही कह सकते हैं, क्योंकि इनके ब्रेकअप के बाद जिस तरह के खुलासे अक्षरा सिंह ने अपने रिलेशन को लेकर किए, इस तरह के रिलेशन ज़्यादातर लड़कियाँ झेलती हैं और उसे ये समझती हैं कि आगे चल कर ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। खैर, जो हुआ उसे कोई नहीं टाल सकता, क्योंकि होनी तो अटल होती है। लेकिन अगर पवन सिंह की माँ ने बेटे की मानी होती तो आज पवन सिंह के जीवन की दिशा और दशा कुछ ज़्यादा ही अलग होती। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।